कार्बोरेटर, अच्छा यहाँ अच्छा इसको निकाल करके धो लेते हैं पेट्रोल से। मतलब समस्या अगर कहीं इंजन भर में है तो सिर्फ बस वही है। अगर आप जो लेने वाले थे इसे, तो आपको इससे क्या क्या उम्मीदें थी, मतलब आपने क्या सोच कर लिया हुआ था? लिए थे कि जो हम इससे खेती करेंगे अच्छा करेंगे, बाकी तो जब ले लिए तो फिर पछताए। इसके घंटे में आपके कम से कम 3.5 लीटर, 3.5 लीटर मतलब प्लग है। अच्छा, अगर प्लग शॉर्ट हो जाएगा तब भी नहीं। सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के प्यार, सपोर्ट और विश्वास के बदौलत हम आप पहुंचे हैं एक ऐसे उन्नतशील किसान भाई के यहाँ जिन्होंने इस मिनी पावर टिलर को लगभग 1 से 1.5 साल पहले खरीदा हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम इनसे जानेंगे कि इस पावर वीडर को इन्होंने कहाँ से खरीदा था, कितने में खरीदा था, और क्या जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने पावर टिलर को बेचने के लिए या बेचने से पहले हम सभी किसान भाइयों से बड़े बड़े वादे करती हैं कि हमारा पावर टिलर ऐसा है, हमारा पावर टिलर वैसा है, यह बंजर भूमि को भी जोत डालेगा, यह किसानों के लिए जो है वरदान है, तो क्या यह सच में वरदान है या फिर 1-2 साल में ही इसका काम तमाम है? ये पिछले इसे 1-1.5 साल से यूज कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इनसे जानेंगे कि ये किस उम्मीद से इस पावर वीडर को लिए हुए थे और यह कितने उम्मीदों पर इनके खरा उतरा है। तो इन सब की जानकारी के साथ इनसे मिलेंगे आज के। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो सामने से किसान भाई आपको देख रहे हैं उन्हें अपना छोटा सा परिचय बताएं। हमारा नाम रामू वर्मा है, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, ग्राम प्रतापपुर छतौरा है, पोस्ट मंगितपुर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि आप इस पावर वीडर यानी इस मिनी पावर टिलर को लगभग कितने दिन पहले खरीदा हुआ था? 1.5 साल हो गया। तो आपने इसे कहाँ से परचेज किया हुआ था? हमने उतूत पे देखा था ऑनलाइन से, इसके बाद हमने बलून कंपनी को जो है फोन किया, उन्होंने बताया। अच्छा अच्छा, तो ये लगभग लगभग आपका मिनी टिलर लगभग कितने का पड़ गया था घर तक आते आते? यहाँ 21,500 में। तो अगर हम रुपया बुक कराए थे, अच्छा 21,000 नगद देना था। अच्छा अच्छा, तो ये कितने सीसी का इंजन इसमें लगा हुआ है? 63। अगर हम प्रति घंटे इसका तेल खपत की बात करें तो लगभग 1 घंटे में इसका कितना एवरेज होता होगा? अगर 1 घंटे में 1 बीघा खेत इससे जुताई कर सकते हो सकता है मट्टी के हिसाब से? अच्छा, मट्टी के हिसाब। अब कहीं बंजर अगर होगा तब इतना थोड़ी चलेगा। अच्छा अच्छा, और तो जैसे जुताई हुआ है। अच्छा, अब इसमें जो है कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, मतलब बड़े एवरेज अच्छा देगा। अच्छा एवरेज देगा। और तेल खपत की अगर बात करें तो अगर 1 घंटे में लगभग कितना तेल की खपत करता है? 1 घंटे में आपके कम से कम 3.5 लीटर। 3.5 लीटर मतलब पेट्रोल, और 4/12 150 ग्राम मोबिल। लेकिन हमने तो बहुत सारी वीडियो में देखा हुआ है कि कंपनी वाले कहते हैं कि 1 घंटे का 1 लीटर खाता है। नहीं नहीं, मतलब ये सिर्फ मतलब एक किसान को आकर्षित करने के लिए आकर्षित करते हैं, ऐसा अच्छा, नहीं अच्छा। है। तो मतलब अभी आपको लगभग 1 से 1.5 साल जैसा कि आप बता रहे हैं हो गया है, तो अभी तक इसका कोई मेंटेनेंस चार्ज वगैरह खर्चा वर्चा कुछ नहीं है? कोई नहीं। सर्विस वगैरह आप कहाँ से कराते हैं? सर्विस हम खुद कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, इसको फिल्टर निकाल देते हैं, पेट्रोल धो लेते हैं, यहाँ जो है लगा है कार्बोरेटर, अच्छा यहाँ इसको निकाल करके धो लेते हैं पेट्रोल से, फिर बांध देते हैं। इसका जो है ये वाला जो स्टार्टिंग वाला है, यही जो है टूटता है। मतलब समस्या अगर कहीं इंजन भर में है तो सिर्फ बस वही है, कोई नहीं। अच्छा, वो भी टूटता है, ये रस्सी अलग से लगा दी जाती है, काम खत्म हो जाता। अच्छा अच्छा, लेने वाले थे इसे तो आपको इससे क्या क्या उम्मीदें थी, मतलब आपने क्या सोच कर लिया? लिए थे कि जो हम इससे खेती करेंगे अच्छा करेंगे, बाकी तो जब ले लिए तो फिर पछताए। इसके बाद जब फिर काम करना शुरू कर दिए तो मुझको बड़ा अच्छा लगा। मतलब जैसे कि आपने देख के पहले इसको लिया, लेने के बाद ये समझ में आपको नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज करते गए आपका अनुभव इसके साथ बढ़ता गया और फिर मतलब संतुष्ट हुए। संतुष्ट हो गए। अच्छा, तो मतलब अगर आप इससे किन किन फसलों की जुताई करते हैं, मतलब जैसे अभी आप गेहूं की कटाई हो गई है और अगर बारिश ना हुई हो तो क्या उसमें ये जुताई कर सकता है? अगर नमी रहेगी जुताई होगा। अच्छा अच्छा, वैसे जुताई की जरूरत है तभी पड़ता है जब खेत में नमी हो, नमी होती है। अच्छा, तो मतलब आप इसको लेकर मतलब संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। अभी इसमें जो है सरसों था। अच्छा अच्छा, अभी सरसों खेती रह लिया, सरसों जो है भरल गए है, उसके बाद एक जोत करके दे कोहरा बोले हैं, कोहरा बोले के बाद फिर हमें जो लाइन लाइन से सब जनरी बो गई है। तो अभी जो आप मैं देख पा रहा हूँ अपने खेत में इसकी जुताई किए हुए, तो क्या इसी से हुई है सब? इसी से। तब तो आपका मतलब काम बड़ी आसानी से हो जाता है। बहुत आसानी से, मात्र 20 मिनट नहीं लगेगा। जैसे हमारा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक मकसद है कि जैसे हमारे बहुत से किसान भाई लेना तो इसे चाहते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है, हम संतुष्ट हैं, लेना तो इसे चाहते हैं,
पर कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीजें रहती है कि हम ऑनलाइन बुक करके मंगाएंगे, प्रोडक्ट पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा, अगर मान लीजिए कोई खराबी आ जाती तो ये सही कहाँ से होगा, तो काफी सारी समस्या खराबी अगर इसमें आएगी तो वह अपना ऑनलाइन से पूछ लेंगे, सारी की सारी सब बता देंगे इंजीनियर लोग, इसमें जो भी खराबी रहेगी वह ऑनलाइन से आ जाएगा। तो मतलब अभी तक आपकी मतलब मशीन में जो भी प्रॉब्लम आई, हाँ। आपने कभी कंपनी में बात किया हुआ है? कई बार बात किए हैं। तो मतलब वहाँ से क्या रिस्पांस मिलता है? जो एक बार स्टार्ट नहीं हो रहा था, हाँ। उन्होंने कहा कि जो है मोबाइल या तो ज्यादा हो गया हो या तो हो नहीं हो उसमें मोबाइल। इसके बाद हमने देखा तो मोबाइल नहीं था इसमें, तो मतलब वहाँ से मतलब आपको सलाह मतलब अच्छी तरीके से मिलता है, बोले है कोहरा, अब हमें जोताई कैसे हुई, बड़े आराम से हो जाई, बस एक जने फेंका चल जाए हर साइड से, फिर लाइन लाइन से फिर जोत दा। मतलब इस मतलब इसको लेने से लेबर की काफी ज्यादा बचत हो जाती है। बहुत बचत है कि अच्छा अच्छा हाँ, हम आधे घंटे में पूरा जोत करके फिर अपना नहा धो के अपने दुकान पे चले जाते हैं। राजमा की खेती हमने इसी से किया था। अच्छा 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 होगा राजमा, मतलब बीच बीच में आप इससे जुताई कर देते हैं अच्छी तरीके से, जैसे हुआ बैगन हुआ मिर्चा हुआ बैगन जो भी हुआ आप बीच से इससे जुताई करके मतलब लेबर का खर्च आप आसानी से बचा लेते हैं, आराम से 100-200 रुपए का तेल डाल के 1000-2000 की लेबर कम कर देते हैं। अगर 100 रुपए का पेट्रोल डालेंगे आप तो कम से कम 1000 की बचत होगी। जुताई है आप देखे कम से कम इतना गहरा जुताई भी है, देखे अच्छा देखे मतलब जुताई भी इसका अच्छा पूरा, जितना ट्रैक्टर के रोटावेटर चला ला उसे तनको कम ना है जुताई। और एक एक खूबी और जैसे जरई उरे में डालक है, कहीं भी अपन जरई डाल डाला, जोत डाला, जोत के फिर पानी भर डाला, पानी में फिर डाल के अपन जोत डाला, जरई डाल डाला, कौन मतलब इसको लेने का पर्पज ये भी है कि अगर आपके मन में अगर आप रात में सोए हैं, अगर मन में अगर आपके उठ गया कि हमें कल मूली बोना है, पालक बड़े आराम से तुरंत या हमें फोन नहीं करना है कि आइए ट्रैक्टर लेकर धान की नर्सरी डालना है, तो मतलब आपको बड़ा ट्रैक्टर बुलाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपको हमने देखा कि मतलब उस नाली के माध्यम से आप लेकर आए हुए हैं। एक दो बीघा जो है अगर छोट किसान है एक दो बीघा वाले तो कौन ट्रैक्टर बड़े जरूरत न है, आई नाली में चल जाये, नरियो में से उठा के जावा, जैसे चारों ओर से खेत है तो दो एक जने वहां एक जने यहां पकड़ना उठा के ले जाए दहेजाना खेत में, ये तो बात सही, कौनो दिक्कत ना है। जैसे अब तार घेरल है अभी मैं कैसे घुसी, कहना तो आराम से उठावा घुसा दा जोत दा, तो मतलब ये बलवान कंपनी से आप लिए और इससे आप लेकर काफी ज्यादा संतुष्ट है। आपके एरिया में कोई और भी ऐसा किसान है जो इस कंपनी का पावर वीडर लिया हो? इसके बारे में हमें जानकारी तो ना है, मतलब आप इस पे भरोसा करके मंगाए और ये आपके भरोसे पे बिल्कुल खरा उतरा? हाँ, खरा उतरा ना, कि हम कभी सर्विसिंग बिना धुलाई भी ना करें, देखे पूरा। हाँ वो तो दिक्कत, यानी हम सभी किसान भाइयों के लिए ये छोटा पावर वीडर जो है बहुत ही फायदेमंद है। किसान भाई उम्मीद करते हैं आज की यह वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।